अरविंद केजरीवाल ने कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो 18 मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर क्या कांग्रेस और भाजपा के लोग हमारे साथ हैं। कुल मिलाकर अलग अलग मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो था, भाजपा का अलग घोषणा पत्र था, आम आदमी पार्टी का अलग था। अगर मैं बुनियादी चीजों को छोड़ दूं, सड़क है, बिजली है, पानी है, बुनियादी ढांचे की बात है, वो सभी के घोषणा पत्र में लगभग जो है वो एक ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सबसे पहले वो अगर दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो जन लोकपाल को लागू करेंगे, बिजली के बिलों को आधा करेंगे, 700 लीटर पानी देंगे हर परिवार को, और जो भी मंत्री बनेगा उनको लाल बत्ती और सुरक्षा वो नहीं लेंगे, दूसरा जो विधायक फंड है उसको खत्म कर देंगे। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस और भाजपा का क्या स्टैंड, वो ये जानना चाहते हैं। हालांकि जिस तरीके से प्रतिक्रिया भाजपा की और कांग्रेस की आई है, उन्होंने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरीके से ठीक नहीं है जिस तरीके से वो कह रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले साफ कहते थे कि ना हम समर्थन देंगे, ना लेंगे, और ना ही हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, अब वो अपनी रणनीति में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि उपराज्यपाल कितना उन्हें समय देते हैं, क्योंकि 17 तारीख को जो मौजूदा विधानसभा है वो खत्म हो जाएगी, 18 तारीख से एक नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए, और उपराज्यपाल ने जो अभी तक की स्थिति है वो राष्ट्रपति को एक पूरी विस्तृत जो अपनी रिपोर्ट है वो भेज देंगे, वहां से फिर किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बाद उपराज्यपाल कुछ फैसला करेंगे। लेकिन एक सवाल बार बार यही सबसे बड़ा उठता है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे। जी, क्या अनुज इसमें यह भी एक संभावना सामने आ सकती है कि जिस तरह के वादे उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में किए हैं, क्या उन्हें चिंता सता रही है कि क्या वो वादे पूरे कर भी पाएंगे या नहीं, या फिर कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस के पाले में गेंद डाल दी है, कांग्रेस ने जब अनकंडीशनल सपोर्ट की बात की थी तो वो कांग्रेस भी आपके मैनिफेस्टो से पूरी तरह से वाकिफ थी?